Yes. Such types of people are away from the society, or we can say that society are not accepting them. But now the era has changed. समय जो है बदल गया है, इसलिए लोगों ने धीरे धीरे चेंजेस लानी शुरू कर दी है. इवन द एजुकेशन हैज स्टार्टेड दिस बिग एक्सक्यूज मी मैम टेकिंग देम प्लीज बेटा बाय टेकिंग दीज स्टूडेंट्स और द पीपल और द इंडिविजुअल टू और वी कैन से दैट सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड. इनके लिए अब ये क्या चांसेस स्टार्ट हो गई हैं कि इन्हें भी दूसरों के साथ जैसे एजुकेशन दी जाती है वहां पर इन्हें भी एजुकेशन इक्वली पार्शल दिया जाता है. इसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन साथ है. ठीक है ना बेटा, इम्प्लीमेंटेशन है कि चेंजेस जो जो उनके लिए रिक्वायर्ड है वो चेंजेस वहां पर की जा रही है ताकि टू डेवलप और टू एनहांस देयर कॉन्फिडेंस. इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये जरूरी कर दिया गया है कि ये भी दूसरों के साथ एजुकेशन वगैरह आसानी से ले सके. इन द अर्ली टाइम या पास्ट मेनी डेकेड्स ये था कि ये लोगों को जो है सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करते थे. इसलिए जनरली क्या हो गया था कि इनकी पार्टिसिपेशन जो थी चाहे वो एजुकेशन में चाहे स्पोर्ट्स में चाहे गेम्स में चाहे किसी भी चीज में वो नहीं होती थी. लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हो गया, इट स्टार्टेड कि इनकी हमने कैसे करनी है कॉमन. इनको पहले तो लोगों ने कुछ कॉमन नेम देने शुरू कर दिया. जैसे हम कहते हैं कि इनको क्या नाम देंगे, लोगों ने कहा हम इसे करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन कह देते हैं, इस नाम से इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं. कुछ ने कहा रेमेडियल कर लेते हैं, कुछ ने कहा इंडिविजुअल फिजिकल एजुकेशन कह लेते हैं इसको, कुछ ने कहा कि हम जनरली इनमें फिजिकल थेरेपी इसको स्टार्ट कर लेते हैं. ऐसी काफी चीजें जो थी वो इनमें आई. लेकिन 1947 में जो एफर थे AAHPER, राइट ऑन द फुल फॉर्म ऑफ दैट AAHPER, दैट इज अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन. इन्होंने एक सर्वे किया ताकि मैक्सिमम लोगों के व्यूज जाने इसके बारे में कि व्हाट दे वांट. ठीक है, और बाद में जाकर इसी जो नाम सजेस्ट किया गया दैट वाज अडैप्टिव और अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन का नाम दिया गया. Now, what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? Diversified किया गया with a program of development, activities, games, sports and rhythms वगैरह, काफी चीजें इसमें dance skills वगैरह ये सारी चीजें इसमें include कर ली गई ताकि इन लोगों की जो potential है उसको enhance किया जाए, उन्हें बढ़ाया जाए. इसके बारे में अब जैसे हमने नॉर्मली पढ़ा है कि फिजिकल एजुकेशन जो लेते हैं कि व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन. द फिजिकल एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, कैन एनीवन टेल व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन. बेटा हमने पढ़ा है सबसे पहले चैप्टर का था हमारा कि एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज यस टू डेवलप द होलसम पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन एंड हाउ वी कैन गेट इट बाय अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स लाइक फिजिकल mental, social, emotional and coordination of neuromuscular. ठीक है ना? अब इसी तरीके से इनका भी है, same है, but little bit differences there. Like physical development है उसमें, emotional है, social growth है इनकी. ठीक है? इनकी potential के according और special बेटे planning program किया गया है इनको regular करने. ठीक है ना, इनके रेगुलराइजेशन के लिए ये प्रोग्राम सेट किया गया ताकि ये लोग भी दूसरे जो आम नॉर्मल लोग हैं उनकी तरह ही काम कर सके या उनकी तरह ही इनकी वर्किंग हो. इससे क्या हुआ, नाउ सेम वे लाइक अ फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है ना, फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव जो नॉर्मल पीपल के लिए हैं, इन द सेम वे इनके भी ऑब्जेक्टिव्स रखे गए
और इनकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन के बेटा? कैन एनीवन टेल द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? यस, ऑब्जेक्टिव वैसे हम हिंदी में उसे उद्देश्य कहते हैं, टू गेट सम गोल, सम मोटिव इज देयर, ठीक है ना? कोई भी काम करने या उसके रीच गोल तक पहुंचने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत होती है। जैसे नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन के लिए है तो वो है हमारे पास कि फिजिकली मेंटली डेवलपमेंट है, इन द सेम वे इनका किया गया। अब उसमें सबसे पहला क्या था कि हमें इंश्योर करना था जो कि इंश्योर द सर्विसेज टू मीट द स्पेशल नीड। इन्हें स्पेशल नीड भी कहा जाता है बेटा, इन लोगों के इनकी स्पेशल जरूरतें जो होती हैं, या इन्हें स्पेशल उसमें भी काउंट किया जाता है, स्पेशल चाइल्ड के अंडर भी काउंट किया जाता है कि इनकी जिस तरीके की जरूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें प्रोवाइड किए जाए चीजें, ठीक है ना बेटा? तभी इनकी जो इंटरनल, अगर इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेना हो, जनरली आपके जितने भी फिजिकल एजुकेशन के या स्पोर्ट्स के हमने एग्जाम्पल लेने होते हैं, आजकल मैक्सिमम जो मूवीज बन रही हैं स्पोर्ट्स पे, यू कैन गेट द एग्जाम्पल फ्रॉम देयर। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अगर हम देखें तो तारे जमीन पर एक पिक्चर है जिसमें जो पेरेंट्स थे दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड, वेयर एज द रोल ऑफ द टीचर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ही केम टू नो अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ दैट चाइल्ड एंड लेटर रिगार्डिंग हिज इंटरेस्ट ऑल्सो, कि उसकी इंक्लिनेशन कहाँ पर है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया, उसके पोटेंशियल को, उसके कैलिबर को अप्राइज किया गया टीचर के द्वारा। और एंड में उसमें यही बताया गया कि वो बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हर काम को कितनी आसानी से कर लेता है। इन द सेम वे स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन जो है ये इस मामले में बहुत ही क्या है, वास्ट है और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज जो है वो देता है। नेक्स्ट है डेवलप करना मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स क्या होती हैं? हमारी छोटी छोटी चीजें, अगर हम इसे जनरल भी ले लें तो नॉर्मली होता है जो छोटा बच्चा होता है उसकी मोटर स्किल्स, क्योंकि मोटर स्किल्स दो तरीके की होती हैं, ठीक है ना, फाइन जनरल और एक फाइन मोटर स्किल्स, जिसके द्वारा जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था, अगर छोटे बच्चे को कोई चीज को पकड़ाओ तो वो पहले ग्रैप करता है, ये ग्रिप उसकी स्ट्रॉन्ग डिफरेंट बेस होती है। लेटर ऑन एज द डेवलपमेंट ऑफ द मोटर स्किल तो क्या होता है, वो धीरे धीरे हर छोटी से छोटी चीज को और हर चीज की जो ग्रिपिंग है उसको प्रॉपर एक्सेप्टिंग करना शुरू कर देता है और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग को वो करना शुरू कर देता है। देन द मेन थिंग इज टू एनहांस द सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बहुत जरूरी है बेटा, आप अपने में ही देख लो, एनी इंडिविजुअल, नॉट ओनली इन यू, जनरली है when you do some work independently in a correct manner it enhances your self confidence, theek hai, tumhe aata hai ki maine ye kar liya, now I can do this step more। agar iska example le lete hain, agar chota bachcha pehli seedhi par aasani se chadh gaya hai to usne kya karna, he tries to step on the another one, theek hai, agar ghar mein ladder wagaira hoti hai na generally hum dekhte hain, in the same way this is the example I am not। aur self esteem, सेल्फ एस्टीम का मतलब है, हिंदी में बताओगे बेटे इसका क्या मीनिंग होता है? कैन एनीवन ट्राई एंड टेल मी द मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम क्या होता है, या सेल्फ इमेज क्या होता है? आत्मविश्वास, हमारे अंदर का विश्वास। पहले ऐसे होता है कि जनरली हमें लगता है वी आर नॉट एबल टू डू दिस जॉब और वर्क, लेकिन जब हम एक बार उसे ट्राई करते हैं, इसकी एनहांसमेंट, इसका सपोर्ट जो है वो हमें बड़ों से मिलता है, चाहे हमारे पेरेंट्स से, चाहे हमारे टीचर से, चाहे हमारे ट्रेनर से, चाहे हमारे कोच से, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए जब हम एक स्टेप कर लेते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, जो कहीं पर जाकर हमारे आत्मसम्मान, यदि उस पर कोई रोक लगा दे तो हम उसे क्या कहते हैं कि इट हर्ट्स, ठीक है ना, हमें दुख होता है। इसलिए सेल्फ एस्टीम उसे ये क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। फिर ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्रामिंग सेट की जाती है बेटे, दोस हुआ डिसेट। इससे पहले मैं बताऊंगी कि आपने जैसे पढ़ा था कि कई बार जो नॉर्मली
लुडविक का हमने एग्जाम्पल दिया था डॉक्टर का, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सोल्जर्स बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे वूंड के कारण या किसी के कारण हॉस्पिटलाइज और डीमोटिव हो गए थे, उन्हें मोटिवेशन देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए उसने पैरा ओलंपिक स्टार्ट किया था। ठीक है ना, तुम्हें इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, हमने लेसन में पढ़ा हुआ। इन द सेम वे इसमें भी है बेटा कि हमारे या एक टीचर, टीचर इज नॉट ओनली अ स्कूलिंग, दोज हु गिव यू अ डिफरेंट एजुकेशन एंड अ सपोर्ट इज कॉल्ड द टीचर। ठीक है ना, कोच ट्रेनर उसी को कहा जाता है जो हमारी हमारे हर सपोर्ट उसमें सपोर्ट करता हो इन अ पॉजिटिव मैनर, टू जस्ट टेक आउट द हिडन स्पिरिट हमारी जो है, या हमारी हिडन क्वालिटीज को जो है वो बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं। फिर है इम्प्रूवमेंट इन द फिजिकल फिटनेस। ये नहीं है जब अगर ये डिसेबल्ड पर्सन भी हैं, अगर कोई भी बैठा रहे बैठे तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो लथार्जिक होते हैं एंड इट प्रोन्स टू डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिजीजेस। लेकिन व्हेन वी वंस स्टार्टेड डूइंग द फिजिकल एक्टिविटी, हमारी फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस जो है वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है। व्हाई? बिकॉज दे आर कोरिलेटेड। ठीक है, अगर मैं कोई काम करूंगी तो मुझे खुशी मिलेगी, जब मुझे खुशी मिलेगी वो क्या है, मेरी इंटरनल, वो मेरी मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मुझे देगी और मुझे नेक्स्ट टाइम मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज करने में भी हेल्प करेगी। ठीक है ना, मेरी आइडियाज़ को इनोवेट करने में भी हेल्प करेगी और मुझे इट लीड्स टू फर्दर। ठीक है ना, पीछे नहीं जाएंगे हम, आगे जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर है इम्प्रूव ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस आल्सो। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है मोटिवेट करना ऐसे बच्चों को टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ठीक है, सबसे पहले तो जो ये बच्चे होते हैं या ऐसे लोग होते हैं उनके माइंड में एक हमेशा फियर बना रहता है, उस फियर को रिमूव करना ताकि उनकी क्वालिटीज उस जगह पर आ सकें, क्योंकि जब तक उनकी फियरनेस नहीं ख़त्म होगी बेटा तब तक वो किसी भी अपनी हिडन क्वालिटीज को, हिडन चीज़ों को नहीं बाहर निकाल सकेंगे। उनकी इसके लिए कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, उनके लिए जो है इम्प्लीमेंटेड आर्टिकल्स बोल लो, उसे डिफरेंट टूल्स बोल लो, उसे इक्विपमेंट्स बोल लो, वो प्रोवाइड किए जाते हैं। उनमें प्रमोट करो स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटीज़। ठीक है, स्पोर्ट्समैन डजंट मीन ओनली दौड़ना या भागना, स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज आर सो मैनी क्वालिटीज जिसके द्वारा जो जो हमारे अंदर हैं उसे हम, अगर किसी के पैर नहीं है तो हम उसको रनिंग के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका अगर थॉट प्रोसेस और मेंटल वो फिटनेस बहुत अच्छी है तो ही कैन बी अ गुड ऑरेटर, वो कमेंटेटर बन सकता है, उसे उस क्वालिटी में ले आओ। ठीक है ना बेटा, उसकी दूसरी क्वालिटीज, वो रेफरी बन सकता है कुछ गेम्स के लिए जिनमें उसकी मूवमेंट्स जो है व्हील पर इजीली की जा सकती हैं। ऐसी क्वालिटीज, सोशल डेवलपमेंट की क्वालिटीज, हाउ टू एडजस्ट विद द टाइम, विद देयर सर्कमस्टांसेस अलॉन्ग विद दैट विद द पीपल्स आल्सो। ठीक है, सिर्फ सोशल क्वालिटीज में या सोशल डेवलपमेंट में सिर्फ लोगों से बात करना ही नहीं है, हमारा अपने सर्कमस्टांसेस के साथ एडजस्ट करना भी तो एक तरीके से सोशल के अंडर आता है कि हाउ वी कैन मोटिवेट अदर फॉर दिस। हम इसके लिए दूसरों को भी, अपनी क्वालिटी के साथ हम दूसरों को भी कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, ये चीज़ें क्या हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हैं। ऐसी क्वालिटीज़ जो हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप की जो है वो हमें उनमें डेवलप करनी चाहिए। उसका गुड मैकेनिक्स, बॉडी का गुड मैकेनिक होना चाहिए। मैकेनिक का मतलब टूल्स एंड वगैरह नहीं है, हमारी बॉडी की जो जो वर्किंग है उसको स्मूथ रखने में या हेल्प करने में बहुत। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आता है इसमें पैरा ओलंपिक के बारे में हमने पढ़ा था, पैरा ओलंपिक क्या है फॉर डिसेबल। ठीक है ना, और ये भी एक मेजर मल्टी, ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड करवाया जाता है। जिस तरीके से ओलंपिक के 4 सालों के बाद आती है वैसे ही ये आती हैं, इवन एशियन गेम्स हैं आजकल। ठीक है ना बेटा, और ओलंपिक गेम जैसे विंटर और समर की हैं, इन द सेम वे इनकी भी जो है पैरा ओलंपिक जो है वो विंटर
और समर की हैं, ठीक है ना बेटे। ये क्यों है? ताकि एक्टिविटीज जो है आराम से इनको करवाई जाए। अब उसके लिए थोड़ी सी चेंजेस हैं, मैंने शायद इनकी वीडियोस आपको अर्लियर दिखाई थी जब हमने पहले ये लेसन को किया था कि किस तरीके से हाउ वी कैन और हाउ दीज पीपल कैन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके लिए क्या है बेटे, नॉर्मली प्रोवाइड की जाते हैं इन्हें अलग तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह, इनके तरीके के ही होने चाहिए, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की, इक्विपमेंट्स की, ग्राउंड की, ताकि इनके लिए इजी हो। अब एक जनरल एग्जांपल ले लें कि फ्लेक्सिबिलिटी इन द इक्विपमेंट्स या कैसे है। मान लो कि अ पर्सन हु इज डेफ, हम अभी पढ़ेंगे ना डेफ ओलंपिक का, तो उसमें यही है, ठीक है ना, इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो अगर एक डेफ है मीन्स नॉट एबल टू लिसन, ही कांट हियर, तो उसके लिए ये कैसे होगा? उसके लिए ये थोड़ी कि हम उसके लिए गन शॉट देंगे या विसल बजाएंगे, नो, वी जस्ट रेज वन फ्लैग इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। अगर हमने गेम स्टार्ट करनी है, स्टॉप करनी है, ऑब्वियसली वी फाइंड अ डिफरेंट वे, ना कि उनके सामने विसल बजाते जाए नहीं ये तो भाग नहीं रहा। दिस इज यस, दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस करनी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब जैसे ब्लाइंड है, those who are not able but to see but rest of the part is good, ab unke liye areas fixed with along with that a special bells are there or some other indication is there ki unhe sunai ya samajh to sunai to deta hai, bol bhi sakte hain lekin wo dekh nahi sakte hain, to unke liye kya hota hai, unke liye kuch bell ya koi aur rings wagera ya clappings ke is tarike ke system set kiye jate hain taki wo aasani se isko kar sake। बेटा ये चीजें जो हैं यही रूल्स वगैरह या फंडामेंटल्स आम बनाए जाते हैं। उसके बाद एग्जिस्टेंस में आया बेटे स्पेशल ओलंपिक भारत, ठीक है, क्योंकि जो पैरा ओलंपिक है दैट इज अ इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी, तो दूसरे देशों से जब डिफरेंट कंट्रीज के लोग जो हैं पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरनेशनल गेम के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई ऐसी एसोसिएशन होती है जो उस कमेटी के साथ अटैच होती है और वही अपने पार्टिसिपेंट्स भेजते हैं, अदरवाइज हाउ कैन वी सेंड, चाहे वो ओलंपिक के लिए है, पैरालंपिक के लिए, एशियन के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, किसी के लिए भी है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई एसोसिएशन बनी होती है स्पोर्ट्स की या डिफरेंट एनी पार्ट्स की जो हेल्प करती है टू चूज द और टू सेलेक्ट द पार्टिसिपेंट्स, नहीं तो कैसे भेजे जाएंगे। इसके लिए फिर लेवल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है लोकल है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है, फिर नेशनल है, फिर वहाँ से इंटरनेशनल के लिए आम जो है वो लोग जा सकते हैं। पहला है कि स्पेशल ओलंपिक भारत बेटा, ठीक है ना, स्पेशल ओलंपिक भारत जो बना था उसमें भी यही चीज़ों को लाया गया था कि दोज हु आर डिसेबल हाउ दे कैन पार्टिसिपेट, और उनके लिए वैसे ही पैरामीटर्स तैयार किए गए थे। लेकिन इस चीज़ को स्पेशल ओलंपिक भारत से पहले इसे स्पेशल ओलंपिक इंडिया बोला जाता था, ठीक है ना, फिर ये 1987 तक तो यही था कि इसे स्पेशल ओलंपिक इंडिया कहा जाता था, लेकिन फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया और स्पेशल ओलंपिक भारत का नाम दे दिया गया 2001 में, ठीक है, आज से 19 ईयर्स पहले जो था वो इसे क्या नाम दे दिया गया कि इसे, हाँ, इसे स्पेशल ओलंपिक भारत का नाम दे दिया गया। इसका भी मिशन यही था कि ऐसी ऑर्गेनाइज की जाए, टीम्स बनाई जाए और भेजी जाए। और उसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको लाइव दे दूं तो पार्टिसिपेशन ऑफ एशियन में या जिसमें भी रहा है हमारा, वो पीछे दीपिका का आता है, अभी तो उसकी एड भी आती है, वो गर्ल जो जिसने हमारे लिए प्राइज जीते हैं, या ब्लेड मैन के नाम से आपने देखा होगा जिसकी दोनों टांगें नहीं है और रनिंग कर रहा है, या ये चीज़ें जो है ना नॉर्मली बेटा ये इसमें बताई गई हैं। इसका मेन मिशन है कि मैक्सिमम जो इंटेलेक्चुअल या ऐसे डिसेबल पर्सन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन करवाया जाए और ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है डेफ ओलंपिक, ठीक है। अब ये डेफ ओलंपिक क्या है बेटा, नाम से ही ये क्लियर हो जाता है,
डेफ मीन्स दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू हियर, हेयर इम्पेयरमेंट है, ठीक है। अब इसके लिए ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कुछ ऐसे होते हैं बेटे जो बोल नहीं सकते, इसके कारण वो सुन नहीं सकते, ठीक है ना, या जो सुन नहीं सकते वही बोल नहीं सकते, मेन उल्टा बोल गए थे, जो सुन नहीं सकते वो बोल नहीं सकते। व्हाई द रीजन इज, ऐसे हम खुद भी ये जानते हैं जो जो बातें हम सुनते हैं बचपन से, वी ट्राइज टू स्पीक दोज थिंग्स, ठीक है ना। छोटे होते बच्चा सिर्फ एक बात बोलेगा, माँ या बा या कुछ भी बोलता है, लेटर ऑन ही स्टार्ट स्पीकिंग, व्हाई, बिकॉज वट एवर द वर्ड्स ही इज लिसनिंग ही ट्राइज टू स्पीक दोज वर्ड्स, ठीक है ना। और इसी तरीके से सुनने के साथ ही वो काम जो है स्मूथली कर सकता है। लेकिन सम ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ, मैंने पहले ही बताया, बाय बर्थ है, प्रॉब्लम्स हैं, या बाय एक्सीडेंट हो जाती हैं, तो उनके लिए भी इन चीज़ों को, इनके साइन या इनके अलग अलग इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं, एडजस्ट किए जाते हैं, ठीक है बेटा। और ये जो डेफ ओलंपिक है, इसको वर्ल्ड गेम का फॉर द डेफ भी कहा जाता है, ये भी ओलंपिक की तरह बड़ी अच्छी तरह करवाई जाते हैं। उसके बाद आता है नया चीज़ जो है इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है बेटा? इंक्लूड करना, इंक्लूसिव, ठीक है ना। यहाँ पर आता है कि आम, पहले हमने देखा होगा जो मेंटल रिटार्डेड लोग होते थे या ऐसे बगीरों के लिए, ठीक है ना, आपने अगर यहाँ पर देखा होगा तो हमारे यहाँ पर भी एक स्कूल है मकसूदा के पास, जहाँ पर डेफ एंड डम लोगों के लिए क्लासेस लगती हैं या उनके लिए स्कूल है, या मेंटल रिटार्डेड के लिए अलग अलग होते हैं जी। अब ये पॉलिसी बनी है कि इन लोगों को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जिस तरीके से आम लोगों को ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। हमारे देश में या आम सोसाइटी में जिस तरीके से बाकी लोगों को ट्रीट किया जाता है, उसी तरीके से इन्हें भी, इनके साथ भी बिहेव करना चाहिए, ताकि इनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा आए, इनके अंदर दबी हुई क्वालिटीज जो हैं वह बाहर आए, इनके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, ताकि कई ऐसी चीज़ें, अगर हम इसका एग्जांपल लें तो वो बहुत सारे ऐसे हमने महान लोग देखे होंगे जो कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर गए हैं, ठीक है ना। इवन दो दे वर टोटली रिटार्डेड, देन आल्सो दे हैव डन अ वर्क फॉर द सोसाइटी, ठीक है ना। इनके लिए हमने या ये इंक्लूसिव स्टडी स्टार्ट की है, जिसके अंदर मतलब है कि अंडर वन रूफ हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाए। स्कूल्स वगैरह जो हैं वो इस चीज़ को करते हैं आजकल, ये टीचर्स का और स्कूल की जो हैं उनकी पॉलिसीज के अंदर है कि इंक्लूसिव स्टडी जो है, इंक्लूसिव स्टडी स्टार्ट की जाए। अब बेटे इसके साथ ही आता है कि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, द पीपल आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, तो उनके लिए ऑटिज्म है, स्पीच पे है, कईयों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, स्पीच की प्रॉब्लम है, बिल्कुल बोल ना सकना, लैंग्वेज की प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ शब्दों को नहीं बोल पाते, दे ट्राइज अ लॉट बट दे आर नॉट एबल टू डू और दे आर कांट स्पीक दोज वर्ड्स, तो उनके लिए फिर क्या होता है, अलग अलग थेरेपिस्ट होते हैं। कई बच्चे होते हैं जिन्हें डिफॉर्मिटीज होती हैं, जैसे नॉकनी है, नॉकनी में होता है कि हमारी टांगे जो हैं घुटनों से जुड़ी होती हैं और पैर हमारे जो हैं वो चौड़े हुए होते हैं। कई में होती है बॉलेक की प्रॉब्लम, बॉलेक का मतलब है बेटे जैसे कमान होती है उस तरीके से उनके घुटनों से पैर जो हैं वो बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण वो उन्हें इजिली, उन्हें चलने में तकलीफ होती है। ऐसे बच्चे जो हैं वो दौड़ में या एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें उनके हिंड्रेंस होती हैं, उनके वर्क को वो स्मूथ नहीं करवा पाती हैं। तो ऐसों के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, इनके लिए हमारी नॉर्मली क्या आ जाता है बेटे कि ऐसे लोगों का जनरली काउंसलर्स आजकल चल गए हैं बहुत।